दोस्तों अपने विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के जो तीसरा पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी, इसके पिछले 5 साल का मैं पेपर देख रहा था, उसमें यूनिट 2 में एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल मिला। 2017 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया और 20 में भी पूछा गया था। मतलब ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हो सकता है, उम्मीद है, मोस्टली चांस है कि 2021 में भी पूछा जाए। क्या है वो क्वेश्चन, आइए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं और देखते हैं कि पूछा कब कब गया है और किस फॉर्म में पूछा गया है। तो दोस्तों वो प्रश्न है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशंस की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं कि 2020 में एक सेक्शन बी में ये प्रश्न पूछा गया था कि संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, प्रभावी संप्रेषण के शर्तों का वर्णन कीजिए। 2020 में इससे ये वाला प्रश्न बना था। और 2019 में जो प्रश्न बना था कि संप्रेषण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशंस। और 2018 में प्रश्न बना था कि संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण से आपका क्या आशय है, संप्रेषण की प्रक्रिया और कच-कच संप्रेषण उपागम का वर्णन कीजिए। और साथ ही साथ 2017 में दोस्तों सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, यानी कि इसके जो भी कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स हैं दोस्तों उनके बारे में पूछा गया था कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि 2017 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है और 21 का आपको एग्जाम देना है, तो शायद ये क्वेश्चन पूछा जा सके। शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि आपका अपना प्यारा अवध विश्वविद्यालय क्रांतिकारी फैसले लेने के लिए जाना जाता है, तो कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं से भरे इनके डिसीजन होते हैं। तो आप 100% तो नहीं मान सकते, लेकिन आप जैसे कि इसकी प्रक्रिया देख रहे हैं 17, 18, 16, 19 हर साल पूछा गया, तो 2021 के लिए 2022 के लिए आप बिल्कुल ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन एक है, ठीक है, क्वेश्चन एक है लेकिन उसमें कभी कभी कुछ पूछा जा रहा है, जैसे कि संप्रेषण का कभी अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषता, प्रकृति, घटक, तत्व, उद्देश्य और महत्व, इन अगर बिंदुओं को पढ़ लिया जाए तो आसानी से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है कि संप्रेषण क्या किसे कहते हैं, इसकी अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति और विशेषताओं को पढ़ लिया जाए और साथ ही साथ इसके घटक तत्व और इसके उद्देश्य और इसके महत्व को जान जाया जाए, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आसानी से हल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप अभी तक पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे ही चैनल पे इस थंबनेल के साथ आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन कहा गया है और इसमें आपको विस्तृत जानकारी दी गई है, इसकी अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं, घटक तत्व, उद्देश्य, महत्व के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों नोट्स के साथ आपको बताया गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, संभावना है कि पूछा जा सके, इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो इस चैनल पे मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, इसके आंसर्स के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हो सकता है लिंक 1 घंटे के बाद अपडेट हो, लेकिन हाँ जल्द ही मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। दोस्तों मेरे वीडियो से या कहीं भी किसी भी वीडियो से, किसी भी बुक से, सीरीज से इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन सभी बच्चों को जिनका एग्जाम्स करीब है, वो एग्जाम्स देने वाले हैं, प्लीज दोस्तों प्लीज आप अपना 1-1 सेकेंड प्रोडक्टिव बनाइए, अपने 1-1 सेकेंड का सही इस्तेमाल करिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है दोस्तों। इस समय अगर आप टाइम अपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है, चिंता की विषय है। हर एक सेकंड को अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें देखिए, अपने पढ़ाई से संबंधित चीज़ें देखिए, मेरे चैनल पे आपको हमेशा आपके बीएड से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी हमें ये भी तो पढ़ना है कि संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता क्या होती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स का पहला कमेंट भी होगा, वो लिंक आप उसको जरूर देखिए या फिर स्वतः जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना खूब ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने ये टॉपिक को पढ़ लिया है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है या नहीं और ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आंसर के साथ, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छे नंबर्स लाने हैं। जय हिंद, जय भारत।